Everybody in high alert. I want no mistakes. No mistakes. Over and out. तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? मुझे सिक्योरिटी की नहीं, इस जगह को सिक्योरिटी की जरूरत है. Understood? Over and out. Out. Yes. Good morning, sir. I hope सब कुछ कंट्रोल में है, रॉय. सर, हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं. I quit. Give me one more chance, please. He's genius. Absolute genius. Superb. He's amazing. Playing a tape? इड़ा बना रहा है मरो साले रो दीकरो मारो प्यारो प्यारो बच्चो मारो बुड्ढा कहीं का अपने औलाद को परेशान करता है और उस गाड़ी को मारो दीकरो मारो दीकरो ए बमन आया मेरे दीकरे का ब्रेक ऑयल लाया भूल गया मेरे दीकरे का खोराक भूल गया वो पप्पा पप्पा जी बोल पप्पा जी जी पप्पा आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू जी पप्पा जी जितना बोला उतना ही बोल चुप क्यों है मुंह में जबान नहीं है क्या है ना पप्पा जी जबान लगाता है सॉरी पप्पा जी पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा मतलब बाद में गलती करेगा नालायक आज ब्रेक ऑयल आना चाहिए संजय जल्दी जा घुसना नहीं पप्पा अरे पप्पा जी बोल हराम कर पप्पा जी मैं तो तंग आ गई इनसे काम धंधा कर देने ऊपर से रात को घर लेट आते हैं ना खुद सोते हैं ना हुए ना मैनू सोने दें दे पहले तीन थे अब चार चार लफंगे हो गए इस काटते ओहो हुन कौन आया आपका पिज़्ज़ा है अलग थैंक यू दो महीने से किराया नहीं भरा जब मांगो तो कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं आज मैं इनका हिसाब करके रहूंगी Ooh.
God, I love free pizzas. Awesome, yaar. दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। आंटी दरवाजा तो खुला ही है। आंटी ये पिज्जा क्या होता है? कौन पिज्जा? कैसा पिज्जा? मैं किसी पिज्जा वाले को नहीं जानता, तू जानता है क्या? मालूम है झटपट सब समझ में आ जाएगा तुझे। आंटी चुआ कहाँ है? चुआ है तेरे तो। ए पारसी बाबा बता मेरा पिज्जा कहाँ है? ओ बाप रे कॉकरोच। कॉकरोच कहाँ? कॉकरोच भाग गया, थैंक गॉड। रॉय मेरा पिज्जा कहाँ है? हमें नहीं पता आंटी, आपकी सर की कसम। मत खा मेरी झूठी कसम। अरे हंसता है तू बेशरम, खोते नालायक। तू नहीं सुधरेगा, तू कभी नहीं सुधरेगा मुहे। पीछे क्या छुपा है? कुछ नहीं आंटी। हाथ सामने ला। ऑफ कोर्स। आपका पिज्जा। पापा। अच्छा पापा, एक तो तुम लोग भाड़ा नहीं देते, ऊपर से चोरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ अब ये बताओ कि मेरे दो महीने का किराया देगा कौन, और जो पैसे देगा वो आगे आए। मानव तू देगा मेरा पैसा? पैसा मैं कहां से दूंगा पैसा? तो आगे क्यों आया? मैं कहां? आदि मानव मेरे पैसे कौन देगा? मैं दूंगा आपके पैसे, मैं दूंगा आपके पैसे। रॉय वो पैसे दे दे। पैसे? अरे वही पैसे यार जो मैंने अपनी बहन के कैंसर के ऑपरेशन के लिए रखे थे। लेकिन आदि उसमें ऑलरेडी 10,000 रुपए कम है, अगर उसमें से आंटी को पैसे दे देंगे तो तेरी बहन मर जाएगी। मर जाने दे उसे, मर जाने दे, उसकी किस्मत में यही लिखा है। भगवान मेरी बहन तुम्हारे पास आ रही है और ये औरत आपके पास भेज रही है, संभाल लेना उसे। बस रोना बंद करो और मानव मेरे साथ चलो। जा मानव जा। रो मत बेटा, तेरे पैन का ऑपरेशन हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी। मैं उसलिए नहीं रो रहा हूँ आंटी। तू क्यों रो रहा? आदि ने मुझे पहले कभी बताया नहीं कि हमारी एक बहन भी है और उसे कैंसर भी है। क्या? यू लायर्स यू चीट्स, इस घर में तभी घुसना जब जेब में किराया हो। अरे बेशर्मो जाके काम धंधा ढूंढो। काम धंधा ढूंढना ही पड़ेगा। अरे मिल गई। क्या मिल गई? अरे नौकरी मिल गई। ये मरा हुआ आदमी हमें नौकरी देगा? माल तो दे सकता है। वो कैसे? मानव वो घास खाते हुए घोड़ी की पेंटिंग है ना, हाँ वो चुपचाप से लेके आ जा, चुपचाप से। चल चल। और तुम लोग मेरी बात सुनो, माइंड ब्लोइंग आइडिया है मेरे पास। सॉरी आंटी। रिश्तेदार थे, आपके दोस्त थे, आपके पड़ोसी थे, तो रो क्यों रहे भाई इतना?
जी कहिए, मैं ही ड्यूरीज का बेटा हूँ। जी वो आपके पिताजी की अमानत आपको सौंपनी है। अमानत? वो क्या है कि कुछ दिन पहले आपके पिताजी हमारी आर्ट गैलरी में आए थे और ये 20,000 की पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद आई थी। 1,000 रुपये एडवांस दे चुके हैं, बाकी के पैसे डिलीवरी होने पर लेने को कहा था। पेंटिंग? अजीब बात है, पिताजी का तो पेंटिंग का बिल्कुल शौक नहीं था। मरने का शौक था? नहीं, फिर भी मर गए ना। लेकिन देखो, कभी कभी आदमी है ना, शौक से ऐसे काम कर जाता है जिसका उसे कोई शौक ही नहीं होता। हाउ शॉकिंग इज दैट? शॉकिंग। छोड़िए ना भाई साहब, फटाफट पैसे दे दीजिए। बिल्कुल, अंकल की भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी। करेक्ट, पता नहीं कहाँ भटक रही है। पापा की पेंटिंग, हमारे पैसे, ये 20, थैंक यू, ये लो 19, ये हाथ में पकड़िए, वो 1,000 गुड लक का दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। इतनी मेहनत से पेंटिंग लाया, खोल के देखो तो सही। ए रुको, देखो यार, अभी डिस्काउंट मत मांगना यार। ये क्या है? पेंटिंग है, और क्या है? ओ, किस चीज की पेंटिंग है ये? घास खाते हुए घोड़े की पेंटिंग है। अच्छा, तो इसमें घास कहाँ है? घास तो घोड़ा घोड़ा खा गया ना। तो घोड़ा कहाँ है? अब घास खाने के बाद घोड़ा क्यों रुकेगा? वो तो चला गया। क्यों भाइयों? सही बात है, सही बात है, चला गया वो, घोड़ा चला गया, हम चलते हैं। चलते हैं, नमस्ते, नमस्ते जी, थैंक यू। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, घास एक बार फिर उगेगी ना तो घोड़ा अपने आप वापस आ जाएगा।